नमस्कार। महान्यूज 7 की खास पेशकश आखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहसचिव नितिन कुंभलकर। नितिन जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, भारी उथल पुथल के बावजूद सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी है, कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति इस बार जो है वो बहुत अच्छी है जी। चाहे मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया कुछ भी दिखाए, पर जो एक अंडरकरंट है तो मैं वो देख रहा हूँ कि 2004 में जिस तरीके के एक इतना बड़ा प्रचार हुआ, इंडिया शाइनिंग, फील गुड, उसमें उस वक्त का जो समीकरण था, उस वक्त की जो परिस्थिति थी, मैं वो परिस्थिति को आज फिर से देख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो कांग्रेस ही नहीं, जो हमारा इंडिया गठबंधन है, इसके लिए ये एक बहुत बड़ा अच्छा समय है जिसमें हमें काफ़ी अपेक्षा है और जनता जनांदर तो है ही जी। बहुत से संवेदनशील देशों में ईवीएम का उपयोग नहीं हो रहा है, भारत में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर में कांग्रेस और बाकी पार्टियां ईवीएम का विरोध तो करते हुए दिखती है लेकिन उसके खिलाफ मैदान में नहीं उतरती, क्यों? देखिए, विषय ऐसा है जी, ईवीएम इस पूरे जग को जो सबसे पहले जो देश में इसको लाया गया, जो देश ने इसको इंट्रोड्यूस किया वो था जापान जी। उसके बाद में अमेरिका, यूरोप, सब तरफ ईवीएम का उपयोग हुआ, पर उनको ये ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े, वो डेवलप कंट्रीज हैं, हम तो अंडर डेवलप है, अभी डेवलपिंग है, अंडर डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में इस चीज़ का, और डेवलप कंट्रीज छोड़ चुकी है, तो डेवलप कंट्रीज अगर छोड़ चुकी है तो उनको ये समझ में आया कि इसमें कुछ तो भी गड़बड़ियाँ हो सकती, क्योंकि देखिए जो ईवीएम है वो एक प्रोग्राम मशीन है, प्रोग्राम मशीन में तो प्रोग्राम कैसे भी हो सकता है, पर जिस तरीके से इस देश के मौजूदा सरकार का जो रवैया है वो जनता की सुनती कहाँ है। अभी ईवीएम को लेके जनता बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है और हमें और बाकी जो पार्टियां हैं उनको एक कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है कि ये सरकार तो कोई बात सुनने को ही तैयार नहीं है। आप संसद में अगर सांसद बात करने जाए तो उसके माइक म्यूट कर देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको टर्मिनेट तक किया गया जा चुका है। तो जब ये ध्यान में आता है कि ये सरकार जो है ईवीएम को बैन नहीं करेगी तो हमारे पास तो उसका कोई विकल्प है नहीं, और जब विकल्प नहीं है इसके साथ ही जाना है तो इसका विरोध करने की बजाय हम लोगों को प्रशिक्षित करें, लोगों को ये प्रार्थना करें और प्रशिक्षित करें कि आप इसका जवाब जो है वो वोटिंग परसेंट कैसा बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदान केंद्र तक कैसे आएंगे और आपका वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बात हो सकती है जो इस चीज़ को काउंटर कर सकती है उस माध्यम से। हर किसी के मन में है कि मोदी सरकार या भारत सरकार, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत सरकार तो मैं सुन ही नहीं रहा हूँ, मैं तो मोदी सरकार ही सुनता हूँ। हाँ, मैं ही नहीं, सभी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। तो जो मोदी की गारंटी है वो तो 2013 में भी मोदी ने गारंटी दी थी, रोजगार की गारंटी दी थी, आज रोजगार का है। भारत का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, भारत को जाना ही इसलिए जाता कि भारत जो है ये युवा शक्ति है, यहाँ युवकों की इतनी तादाद है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन ला सकता, इसलिए बाहर के जो देश है वो हमको उस दृष्टिकोण से भी देखते हैं, पर यहाँ हमारी ये सरकार की विफलताओं की वजह से इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, 2 करोड़ रोजगार के हर साल के वादे कहाँ गए, 15 लाख आपके अकाउंट में आने वाले वादे, ये तो गारंटियाँ थी ना, और ये किसी और ने दी नहीं थी, ये मोदी जी ने दी थी। तो जब मोदी जी ने ये सब गारंटी, ऐसी अनेक गारंटियाँ गिनने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएंगी, तो पहले की ही गारंटियाँ जो है वो आज तक पूरी नहीं हुई, तो अभी जो नई गारंटियाँ दे रहे इसका क्या होगा, मतलब गारंटी की कोई उम्मीद नहीं है, गारंटी की कोई उम्मीद ही नहीं है। अभी कल के मुंबई के सभा में तेजस्वी यादव जी इन्होंने तो बोला कि वो उनके चाचा को ही वापस अभी इस बार पलटेंगे नहीं, इसकी आप गारंटी दे दो, अगर मोदी जी उसकी भी गारंटी दे दे, वो गारंटी लेके दिखा दे तो हम मान जाएंगे। तो इस तरीके से आज उनकी जो है एक इमेज बन चुकी है उनके गारंटियों की। अच्छा, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है और सारी राजनीतिक उथल पुथल हुई, इस चुनाव का इस पर क्या असर होगा और कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा? देखिए, कांग्रेस का अगर दो पार्टियों में जो दो फाड़ हुई है जी, वो दो फाड़ जो हुई है उसका कांग्रेस का बेनिफिट का विषय एक अलग है,
क्योंकि जब आप अभी महागठबंधन करके हम जब लड़ेंगे, महाविकास आघाड़ी करके जब हम लड़ेंगे, तो उसमें शरद पवार जी जो पार्टी राष्ट्रवादी, वो शरद पवार जी ने सींचा है उसको, वो पौधा उन्होंने लगाया, अब बीजेपी ने उसको तोड़ के उसके दो फाड़ किए, उनका चुनाव चिन्ह तक उन्होंने लिया। शिवसेना के बारे में भी उन्होंने वही किया, पहले शिवसेना के साथ किया फिर राष्ट्रवादी के साथ किया, पर ये करने के बाद महाराष्ट्र की नहीं इस देश की जनता सब चीज़ों को देख रही है और इन सब चीज़ों से उपता चुकी है। तो महाराष्ट्र की जनता के जो सेंटिमेंट्स है, जो उनका संवेदनशीलता है, वो संवेदनशीलता जो है वो शरद पवार जी के साथ है, उनको एक सिंपथी, उनके प्रति एक आप बोल सकते एक सपोर्टिव उनको कि भैया नहीं अन्याय हुआ है। उद्धव ठाकरे जी के साथ भी वही हुआ है। तो एक जो सहानुभूति जो है, ये सहानुभूति का फायदा इन दोनों को मिलेगा। और जब हम गठबंधन करके इनके साथ लड़ रहे हैं तो इसका फायदा, क्योंकि सेट शेयरिंग हो गया, हम मिलके लड़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का फायदा सभी पक्षों को, जो हम महाविकास आघाड़ी के जो सभी पक्ष हैं, इनको बहुत अच्छे से दिखेगा। और महाराष्ट्र के रिजल्ट जो है वो आने वाले समय में मेरे हिसाब से तो चौंकाने वाले हैं। मतलब जिस टाइप के राजनीति है उससे जनता उकता चुकी है, ऐसा उकता चुकी है। कुछ कुछ लोगों के तो चेहरे अब देखना पसंद नहीं करते, रेडियो पे आवाज़ सुनी गई तो रेडियो लोग बंद कर देते, टीवी में अगर आते हैं तो चैनल चेंज होते हैं, क्योंकि दिन रात तो वही दिखता है। तो दिन रात वो देखने के बाद तो लोगों को एक बोलते हैं ना कि एक उकता से गए हैं। कभी कभी आवाज़ भी आती है तो लोग बोलते हैं अरे इसको हटा, बहुत सुन लिया, इस टाइप की अभी बातें हो रही है। पिछली बार लोकसभा में महाराष्ट्र से केवल एक सीट जीती थी चंद्रपुर से जी, इस बार कितनी उम्मीद है कांग्रेस को, कितनी सीटें आ सकेंगी? इस बार जो हम देख रहे हैं या हमारे सर्वे भी है उसके हिसाब से कांग्रेस जो कांग्रेस यानी गठबंधन की बात कर रहा हूँ मैं जी, महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूँ जी, महाविकास आघाड़ी कम से कम 48 में से 35 सीटों के आसपास। आप 35 सीटों की बात कर रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो तो ऐसा है, ये आंकड़े भी बताना हमने थोड़ा सा उनसे ही सीखा है जी। वो 400 बार की बात करते, अहंकार में बात करते, पर हम ये अहंकार में नहीं बोल रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो 2004 का जो एक समीकरण मुझे दिख रहा था, जो अंडरकरंट मुझे दिख रहा था, वो इस बार मुझे दिख रहा है। और मैं इसमें आश्वस्त इस बात पे भी हूँ, अभी जैसे मैंने नागपुर से कांग्रेस की उम्मीदवारी मांगी है और सामने बोला जाता है कि गडकरी जैसे बलाढ्य एक नेता, कद्दावर नेता, जो वेटिंग इन पीएम भी जिनको बोला जाता, बार बार वो पीएम पद तक जाके वो वापस आ जाते, अभी भी वो वेटिंग इन पीएम है। भला ही वो उन्होंने कुछ दिन पहले मना किया कि आप पीएम की रेस में मुझे मत समझिए, पर राजकारणी आदमी की महत्वाकांक्षा, वो क्या बोलता है और क्या करता है ये तो समझ में आता, और वो तो वैसे ही भाजपाई है। तो मैं अगर उनके खिलाफ उम्मीदवारी मांगा हूँ तो मैं उनसे कोई हारने के लिए तो नहीं मांगा। मुझे विश्वास है कि मेरा जितना कांग्रेस परिवार नागपुर शहर का है, लोग बोलते हैं वो संगठित नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो पूरा आज संगठित हो चुका है और हम सब लोग मिलके ये दिखा देंगे कि गडकरी जी भी हार सकते हैं। 1980 में शायद मेरे ख्याल से 1980 था, गडकरी जी ने एक चुनाव लड़ा था नागपुर से, विधानसभा का, पश्चिम नागपुर से, तब गडकरी जी हारे थे। तब वो समय और समीकरण जो था, वो समय और समीकरण आज फिर से वापस दोहराएगा। मतलब आपका कहना है कि टिकट यदि मिलती है तो आप इस कद्दावर नेता के सामने टिक पाओगे? मैं टिक नहीं पाऊंगा, मैं इनको हरा के दिखाऊंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है जी, और वो भी कांग्रेस परिवारजनों के सपोर्ट से। मतलब कांग्रेस का, आपको स्थानीय कांग्रेस का पूरा सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम एक संघ होकर लड़ेंगे। मतलब कांग्रेस के अंदर में फूट नहीं है? देखिए, वाद विवाद तो होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद जिसको बोला वो नहीं है, और मतभेद जो है वो आपसी चर्चा से दूर हो जाएंगे, जो भी है जी, जितने भी हैं वो हो जाएंगे, इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ। एक आखिरी सवाल जी, जैसा कि अभी सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे 2 रुपये कम किए, तो इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, जनता को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मैं 2-3 बिजनेस करता हूँ जिसमें से एक कंस्ट्रक्शन का भी है और दूसरा मेरा पेट्रोल पंप भी है, तो मुझे पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्रूड ऑयल का रेट क्या है और आज इंडिया में हम लोग इस भारत देश में हमको क्या रेट मिल रहा है। तो कायदे से तो हमको 60 रुपये लीटर मिलना चाहिए जी। अच्छा, आप बढ़ा देते हो, जैसा सिलेंडर,
आपने पहुंचा दिया 1150 तक महाराष्ट्र का नागपुर का जो रेट है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, और उसमें आपने 50 रुपये कम कर दिया। भैया पहले ही आपने इतना बड़ा दिया और उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आपने कम कर दिया तो उसका असर क्या होने वाला है? मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो रही है। नहीं, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है, ये जीरा भी नहीं है, उसको महसूस भी नहीं होगा क्योंकि वो जीरा भी टेस्टलेस हो चुका है अभी। जी जी, तो नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आज मेरे साथ, बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।